हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। थोड़ा सा जॉब वगैरह हैक्टिक हो गया है बहुत ज़्यादा, तो बट सॉरी इतने लेट कर दिया मैंने अपना वीडियो। आप लोग, मुझे पता है वीडियो का मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ना? नहीं, इग्नोर। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम संडे को फंडे बनाएं, कुछ कहीं बाहर जाए। बहुत टाइम से कहीं जा नहीं पा रहे हम, क्योंकि आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, बरसातें हो रही हैं। तो आज हम जा रहे हैं मनसा देवी टेम्पल। अभी फ़िलहाल तो अभी हमारा मनसा देवी का है, उसके आगे और भी बहुत प्लान्स हैं। अब देखते हैं कि माता रानी हमें आगे बुलाती है कि नहीं, बट अभी के लिए तो हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो ये देखिए, आपको मैं आपको वैसे मैं आपको मौसम दिखाऊं, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। मौसम है ऐसा सा बारिश वाला, मैंने लगाया चश्मा। हाँ, और मेरे पति देव जी जो है, देखिए चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। मतलब इतने अच्छे मौसम में भी बंदा चश्मा लगा के बैठा हुआ है। तो धूप भी है ना, कहाँ है ये देखो। तो अब जो है बारिश स्टार्ट हो गई चंडीगढ़ में, तो इसी बहाने जो है मेरे पति के चश्मे भी उतर गए हैं, देखिए आप। और अभी बारिश होने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो अच्छा है, ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम, यस, श्री माता मनसा देवी द्वार। तो अब हम मनसा देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे जो है बारिश भी रुक चुकी है। तो मेरे प्यारे पतिदेव जी, अगर आप चश्मा लगाना चाहते तो लगा लो, धूप नहीं है ना अभी। तो जल्दी हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, फिर आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे हम लोग। तो अब हम पहुंच गए हैं मनसा देवी मंदिर। तो सामने आप देख सकते हो कि ये जो दुकानें लगी हुई हैं, और ये एंट्रेंस है, ये हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ये एंट्रेंस है, आई थिंक और इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दुनिया में बहुत ही कम दिखता है, ये शक्ल। ऐसी शक्ल दुनिया में बहुत कम है, और जो है वो बैन हो चुकी हैं। ये कुछ ही शक्लें बची हैं और एक मेरे पास है, इसीलिए मैं इसको बहुत संभाल के रखता हूँ, कहीं ऐसी शक्ल ख़राब ना हो जाए कहीं। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे इंजॉय करते हुए। ये है जूता घर, तो हम अपने जूते यहाँ पे जमा कराएंगे बहुत जल्दी ही। और देखिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो देखते हैं अगर हमें कुछ लेने के लिए यहाँ से मिलेगा तो हम यहाँ से ज़रूर लेंगे। और यहाँ देखते देखते मुझे एक लड़की मिली, और वो ये। संडे का दिन है और आज तीज का त्योहार भी है, इसीलिए आप देख सकते हैं मंदिर में कितना ज्यादा रश है। एक दो तीन चार, मास्क पहनो हर बार, जय माता दी। जय माता दी। माता जी के दर्शन हम कर चुके हैं माता रानी के। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था फ़ोन, तो इसीलिए हम अंदर की वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो जिसको भी माता रानी के दर्शन करने हैं उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, और माता रानी के अपने आप दर्शन करने पड़ेंगे अपनी आँखों से, है ना बुग्गा जी? मौसम भी बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमें माता रानी के, और हमने आरती भी पूरी अटेंड करी, तो आज बहुत अच्छा हो गया। हमारी तो ऐसे कोई विश है बुगा? भाई मेरी तो, मुझे तो माता रानी ने अपने आप सब कुछ दिया है, भगवान से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, अपने आप सब कुछ दे दिया उन्होंने। ये देखो इतना अच्छा पति, और इनको इतनी अच्छी बीवी।
ओ मेरी चमक छल्लो। वो बोलता है कि मेरे को टाइम लग जाएगा सर्विस करवाने का ना गाड़ी की। ये देखो ये लड़की मिल गई हमें बहुत देरों बाद। बारिश की हल्की हल्की बूंदे भी लग गई भाई अब। ओहो बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो कितना अच्छा पार्क है मनसा देवी के पीछे। तो अभी यहाँ पे हमारा देखो हमारा क्या सबका ही फोटो सेशन चल रहा है। ये देखो ये मस्ती का टाइम और बारिश लग गई। ये देखो बुग्गा को एक नई लड़की मिल गई है। देखो उसको छेड़ रहे हैं। बहुत तेज बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये शिव जी जी का मंदिर सामने और यहाँ पे आपको ये दिखेगा बेलपत्र पेड़। और अभी हम लोग जो है यहाँ पे रुके हुए हैं बारिश में छुपे हुए हैं। मतलब रुके भी क्या हुए हैं छुपे हुए हैं। और हमारा पूरा सिंदूर तो फैल चुका है बारिश में। भीगे हुए हम। बारिश कितनी तेज़ हो रही है। टिक टिक बरसवानी सही बात है। बोलेंगे मंदिर में भी कुछ है। इसी टाइम हम बहुत बहुत डांस किए हम लोग गाने में। आज अभी वो ट्रेंडिंग में था ना। माता रानी के लंगर का आनंद लेते हुए हम। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं। और हम सब लंगर इंजॉय कर रहे हैं। बारिश ने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया है। देखो मेरे पतिदेव आए कैसे थे जा कैसे रहे अभी। जूते पकड़े हुए हाथ में। और ये देखो मैं मेकअप के बिना। देखो मेकअप धुल गया इसका पूरा। मेकअप मैंने किया ही नहीं था। मेकअप करते नहीं हम। सिंदूर वाला है बाकी कुछ नहीं है। हम नेचुरल ब्यूटी है। ये देखिए रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना ज्यादा बारिश हो रही है। तेज कैसे गए थे हम और हम कैसे हो गए हैं। हम पूरे भीग चुके हैं आज बारिश में। ये देखो मेरे पति देव के तो बाल भी बैठ गए। पूरे भीग गए हैं बिल्कुल गीले हो चुके हैं। सोचा था हमने आगे जो है शिवजी मंदिर जाएंगे। बहुत प्लान थे बट अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बट शुक्र है कि हमें माता रानी के दर्शन हो गए। और ये देखिए अब देख सकते हैं आप लोग चंडीगढ़ में सिर्फ आई थिंक घंटों की बारिश ने चंडीगढ़ का ऐसा हाल कर दिया है। वो भी अब बारिश थोड़ी रुक चुकी है और थोड़े घंटों में चंडीगढ़ जो है स्विमिंग पूल बन चुके हैं। स्विमिंग पूल चंडीगढ़ के रोड जो है स्विमिंग पूल बन चुके हैं। और हमारे पति की हालत देख सकते हो आप। इतना बुरा हाल हो गया चंडीगढ़ का। देखिए सामने गोल्ड का रेट क्या है। 50,000 पूरा रोड पानी से भर चुका है। बस हमारी गाड़ी ना रुके बस। तो हम घर जो है पहुंच गए फाइनली। मुझे लगा कि हम नहीं घर पहुंच सकते आज। कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि इतना पानी था आज रोडों में। बहुत पानी था। पूरे भीग चुके हैं पूरे भीग गए हम। तभी मैंने सोचा फटाफट आके चेंज कर लूँ वरना बीमार भी हो सकते हैं इस मौसम में। और यहाँ बारिश इतनी नहीं हुई है ठीक है। यहाँ बारिश नहीं है। चंडीगढ़ में रोडों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। बट चलो माता रानी ने हमें दर्शन दे दिए बहुत अच्छा हो गया। शिव जी जी के रह गए तो हम नेक्स्ट टाइम वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो यस ओके बाय बाय। अब थोड़ी सी चाय वाय पी लूँ गरम गरम क्योंकि अभी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी सी अभी अदरक वाली चाय बनाई जाए। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है ठंडा ठंडा। तो ओके सी यू गाइस।